जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीपी के विषय में जानेंगे कि आपने देखा होगा जब भी आप एमसीपी लेने के लिए जाते हैं या कहीं पर पढ़ते होंगे तो भी आप देखते होंगे कि एमसीपी पर यह देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए के लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह क्यों लिखा होता है एमसीपी के ऊपर, इसका क्या कारण होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसका हमारे जीवन पर, मतलब हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए ये जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे बी लिखा हुआ है, सी, उसके बाद डी, के और जेड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह टाइप ऑफ एमसीबी है। मतलब ये हुआ कि जो एमसीबी हमारी होती है कुल पांच प्रकार की होती है। ठीक है, पांच प्रकार की एमसीबी होती है, जिसमें से पहली होती है हमारी बी टाइप की एमसीबी, दूसरी होती है सी टाइप की, तीसरी होती है डी टाइप की, चौथी होती है के टाइप की और पांचवी होती है हमारी जेड टाइप की एमसीबी। तो ये पांच प्रकार की एमसीबी होती है, इनका अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एमसीबी को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो एमसीबी, जैसे मान लीजिए बी टाइप की एमसीबी है, उसका एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं पर इस एमसीबी का उपयोग करना है। सी टाइप की एमसीबी जो होती है, उसका भी एक स्पेसिफिक जगह पर ही यूज किया जाता है। तो ये सारी एमसीबी जो होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका काम होता है। इस वीडियो में आगे हम इसी को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी एमसीबी होती है, इस एमसीबी का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ओवरलोड और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। अब ओवरलोड का मतलब क्या हो गया, ओवरलोड का मतलब ये हो गया कि जो लोड, इसकी जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा का लोड इसके ऊपर डाल दिया गया। अब उसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है बी, ये तो टाइप हो गया, उसके साथ में यह जो लिखा हुआ उसके साथ में 13 लिखा हुआ है ना, ये 13 लिखा हुआ है। तो 13 का मतलब ये हो गया कि यह जो एमसीबी है, इसकी जो कैपेसिटी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वह 13 एम्पियर का है। ठीक, 13 एम्पियर का इसका कैपेसिटी है। अब बात ये होती है कि ओवरलोड का फिर इसमें क्या मतलब है। तो देखिए जो 13 एम्पियर लिखा हुआ है, 13 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि अगर एमसीबी को हमने जहां पे कनेक्ट किया है वहां पर अगर 13 एम्पियर से ऊपर का करंट यदि उस एमसीबी पर फ्लो होता है, उस एमसीबी से फ्लो होता है, तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी, बंद कर देगा पूरे सर्किट को। वो समझ जाएगा कि एमसीबी में 13 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब या उससे ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जहां पर जिस उपकरण के लिए वो सप्लाई जा रही है उसके लिए वो हानिकारक है, वो समझ जाएगा और तुरंत पूरे सर्किट को बंद कर देगा। अब ओवरलोड का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर लोड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ओवरलोड बोलेंगे। अब यह काम कैसे करती है, थर्मल प्रोटेक्शन उसके अंदर होता है। अब थर्मल प्रोटेक्शन क्या है, देखिए जो करंट होती है उसका जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर कहीं पर भी करंट जब फ्लो होगी तो वहां पर हीट पैदा होगी। ठीक है, गर्मी पैदा होगी वहां पर, तो वह जो गर्मी होती है वह थर्मल से हम उस चीज का प्रोटेक्शन करते हैं। थर्मल का मतलब यह हो गया कि इसमें द्विधात्विक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब द्विधात्विक का मतलब यह हो गया, देखिए द्विधात्विक जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, द्विधात्विक मतलब दो धातुएं इसमें उपयोग की जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक धातु ये हो गई, अब मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मान लीजिए कि वह 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और एक दूसरी धातु होगी, उसका एक दूसरी धातु उसके बगल में लगी हुई होगी, उसका मान लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट मान लिए 40 डिग्री ही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि करंट जो जब फ्लो हो रही है इसके अंदर से, अब क्या होगा कि अब 40 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, मतलब ये हुआ कि अगर इस जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है इसमें 40 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह टिल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि 40 एम्पियर से करंट जैसे ही ऊपर फ्लो होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तो हीट होगा और गर्मी उत्पन्न होगी, तो वहां पर क्या होगा, थर्मल प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा कि 40 से जैसे ऊपर फ्लो होगा तुरंत यह जो हमारी स्ट्रिप है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, ये टिल्ट हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी और यह सर्किट को बंद कर देगी, सर्किट हमारी बंद हो जाएगी।
होता क्या है कि ये कुछ इस तरह से होता है और ये जो है नॉर्मल कंडीशन पर ये सप्लाई को पास करेगा और जैसे ही 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये सर्किट को इस तरह से तोड़ देगा। अब सर्किट जो हमारी टूट गई तो सप्लाई जाना हमारी बंद हो गई। अब होगा क्या कि कुछ देर के बाद, जब थोड़ा देर बाद ये जब मतलब करंट तो फ्लो होगा नहीं, जब करंट नहीं फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ठंडक आ जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी, ठंडक आ जाएगी। तो ये 50 डिग्री वाला जो है ना, ये क्योंकि 40 पर ही ट्रिप हो गया तो ये 50 डिग्री वाला जो जो स्ट्रिप है वो तो मुड़ेगी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब हम आकर के रिले को जब हम रीसेट करेंगे, एमसीबी को जब हम आकर के उठा ब्लॉक उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यह चूंकि ये तो मुड़ा होता नहीं है, इसकी वजह से ये वाला जो हमारा होता है वो भी एकदम सीधा फिर से कॉन्टेक्ट चिपक जाता है और एमसीबी हमारी सप्लाई को पास करने लगती है। मतलब द्विधातु का मतलब ये हो गया कि एक धातु का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरे का कम होता है, तो कम वाला जो होता है उसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगी तो जो कम वाला होगा वो मुड़ जाएगा, उसकी वजह से सर्किट हमारी ब्रेक हो जाएगी और जो एमसीबी है हमारी वो ट्रिप हो जाएगी, सर्किट वहां पर सप्लाई वहां पर जाना बंद हो जाएगी। अब 50 थोड़ी देर के बाद जब आप एमसीबी को आकर के उठाते हैं, रीसेट करते हैं, तो उस कंडीशन पर जो 50 डिग्री वाला जो टेम्परेचर वाला जो मेटल वाला जो स्ट्रिप होती है उसकी वजह से ये वाली जो स्ट्रिप होती है उसके सपोर्ट में होती है तो सीधा हो जाता है, तो सीधी हो जाती है तो सप्लाई हमारी फिर से पास होने लगती है। तो इस तरह से ये हमारी बायोमेट्रिक होती है जो कि थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर होता है। बायोमेट्रिक आप समझ लीजिएगा, इंटरव्यू पूछा जाता है तो आप द्विधातु बताएंगे, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का उपयोग इसमें किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा एमसीबी के अंदर का जो पूरा सिस्टम होता है उसको मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी आप थर्मल प्रोटेक्शन को समझ जाइए, जब मैं वो वीडियो बताऊंगा तो वहां पर आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा कि वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसी होती है। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, दो चीजें होती है शॉर्ट सर्किट में, देखिए एक तो हमारा होता है फेस और एक होता है हमारा न्यूट्रल और एक हमारा होता है अर्थ, तीन चीजें होती हैं। अब देखिए फेस के साथ में फेस का तार जा रहा है और न्यूट्रल का तार जा रहा है, अगर ये दोनों तार अलग अलग जा रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, अब फेस आपने यहां से दे दिया, न्यूट्रल यहां पर दे दिया, अब ये जब आप फेस देंगे और यहां पर न्यूट्रल देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन होगा क्या कि अगर मान लीजिए किसी कारण से ये जो तार है वो टूट करके यहां पर टच कर गया तो होगा क्या, यहां पर अब इस स्थिति में, पहली की स्थिति में क्या होगा कि इसमें बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बीच सीरीज में आ रहा था तो बल्ब हमारा चल रहा था तो हमारे लिए यूजफुल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये तार यहां पर टच कर गया तो क्या हो गया कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, अब जब यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, इस स्थिति को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। इसमें जो करंट होती है वो अनलिमिटेड मतलब इनफिनाइट यहां पे करंट फ्लो होती है, तो ये क्या होता है कि ये पूरी की पूरी वायरिंग को जला देगा, ठीक है। अगर फेस और न्यूट्रल साथ सीधे सीधे टच हो जाते हैं या फेस के साथ में हमारा अर्थ टच हो जाता है तो भी शॉर्ट सर्किट की ही कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन पर भी हमारी पूरी वायरिंग पूरा सिस्टम जल सकता है। इसलिए भी हम उस स्थिति से बचने के लिए हम एमसीबी को शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब यहां पर होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल दी जाती है जो कि ऐसी स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो वहां पर जब हाई करंट का जब फ्लो होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्विकली होता है, बहुत तेजी के साथ में हाई करंट जो होते फ्लो होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है वो क्या करती है कि प्लंजर को खींच लेती है, जो ये जो प्लंजर होता है ना, ये नॉब होती है, इसके प्लंजर को खींच लेती है और हमारा जो एमसीबी होता है वो ट्रिप कर जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आइए एक एक एमसीबी को समझ लेते हैं। तो देखिए पहली जो हमारी एमसीबी है वो बी टाइप की हमारी एमसीबी है। अब यहां पर देखिए जो बी टाइप की एमसीबी लिखा हुआ है ना, अब बी टाइप का एमसीबी तो मान लीजिए कि हमने 10 एम्पियर का एज्यूम किया है कि जो भी एमसीबी है हमारी वो 10 एम्पियर की है, ठीक है। अब 10 एम्पियर की हमारी एमसीबी है तो इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा उसमें जो कैपेसिटी होगी वो 3 से लेकर के 5 गुना, 3 से 5 गुना का मतलब यह हुआ कि 10 एम्पियर का करंट है तो हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 से लेकर के 50 एम्पियर तक का अगर करंट फ्लो होता है। जाना कितना चाहिए, फ्लो कितना होना चाहिए स्मूथली, जब सब कुछ ठीक रहेगा 10 एम्पियर, लेकिन अगर क्विकली फ्लो होता है 30 से लेकर के 50 एम्पियर तक का करंट फ्लो होता है तो जो एमसीबी है हमारी वह 0.04 सेकंड से लेकर के 13 सेकंड के बीच में यह एमसीबी ट्रिप कर जाएगी।
तो मतलब 0.04 से लेकर के 13 सेकंड, मतलब बहुत ही जल्दी फ्रिक्वेंटली ये जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी, जो हमारी बी टाइप की एमसीबी होती है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो एमसीबी है उसका हम उपयोग कहां पर करते हैं। तो पहली चीज तो यह समझ लीजिए कि जो रेजिस्टिव लोड होता है वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं, और इस एमसीबी का हम उपयोग इंडक्टिव लोड में भी करते हैं। मतलब रेजिस्टिव लोड का मतलब यह हो गया कि जैसे हमारा हीटर, ठीक है, प्रेस, वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। और इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया हमारा मोटर, जहां पर होगा वहां पर, या चोक हो वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो यह एमसीबी इस प्रकार की होती है, 3 से लेकर के 5 गुना तक के करंट जैसे ही फ्लो होगा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तुरंत एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। दूसरी एमसीबी जो हमारी है वह है सी टाइप की एमसीबी। अब सी टाइप की एमसीबी, इसमें भी हमने 10 एम्पीयर का मान लिया है कि 10 एम्पीयर की हमारी एमसीबी है। तो यह जो एमसीबी हमारी है वह 5 से लेकर के 10 गुना तक अगर करंट फ्लो होता है तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। मतलब 5 का मतलब हो गया 50 से लेकर के 100 एम्पीयर तक का करंट यदि फ्लो होता है तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। कितनी देर में? मतलब यह होता है कि जैसे ही करंट एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ तो तत्काल क्या होगा कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड करंट फ्लो होगा, तो अनलिमिटेड करंट फ्लो तो वो कितना बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो जाएगा तो पूरी वायरिंग जल जाएगी। तो उससे पहले ही हमें सर्किट को बंद करना है ना, तो 50 एम्पीयर जैसे ही फ्लो होगा तुरंत वो ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, कौन सी वाली एमसीबी? सी टाइप वाली एमसीबी। अब इसमें क्या है, 0.04 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। इस एमसीबी का उपयोग हम कहां पर करते हैं, जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोटर हमारी इंडक्टिव लोड है, चोक हमारा इंडक्टिव लोड है, तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं। या क्विक लोड बढ़ने की स्थिति में, मतलब क्षणिक रूप से बहुत तेजी से जब लोड बढ़ता है तो वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा मोटर में उपयोग करते हैं, उसके बाद फ्रिज में, एसी में। यहां पर देखिए जब कंप्रेसर ऑन होता है तो बहुत तेजी से जो वहां पर क्विक करंट फ्लो होता है ना, तो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं, फ्रिज में इसका उपयोग करते हैं। तो यह जो हमारी एमसीबी होती है यह हमारी सी टाइप की एमसीबी होती है। अगली एमसीबी हमारी है डी टाइप की एमसीबी। अब डी टाइप की एमसीबी, इसको भी हमने 10 एम्पीयर मान लिया है कि इसकी कैपेसिटी भी 10 एम्पीयर है, तो यह 10 से लेकर के 20 गुना तक करंट अगर इसमें से फ्लो होता है तो यह एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। देखिए हर एमसीबी की अलग अलग जरूरत के अनुसार इसको बनाया गया है। अब 10 एम्पीयर का मतलब यह हो गया कि 100 एम्पीयर, मतलब 10 एम्पीयर का एमसीबी की जो स्मूथ रेटिंग है, इसकी करंट रेटिंग है। अब 10 गुना ज्यादा तो मतलब हो गया 100 से लेकर के 200 एम्पीयर का करंट यदि इससे फ्लो होता है तो एमसीबी इस स्थिति को एबनॉर्मल मानेगी। तो 0.04 से लेकर 3 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। अब इसका हम उपयोग कहां कहां पर करते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट होता है वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो वह शॉर्ट सर्किट कहां कहां पर होता है, जैसे हमारी वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में आप देखते होंगे ना कि फेस का रॉड जो होती है वो फेस पे होता है, और जो न्यूट्रल होता है जहां पर हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं उसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब फेस के साथ में न्यूट्रल टच कराते हैं तो वहां पर देखते हैं चिंगारी निकलती है, तो वह जो स्थिति होती है वह शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है। तो वेल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। बड़ी मोटर जो होती है वहां पर उपयोग करते हैं, और एक्सरे मशीन वगैरह जो होती है वहां पर हम इस डी टाइप की जो एमसीबी होती है उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो डी टाइप की एमसीबी होती है उसको कभी भी घरों में नहीं लगाना चाहिए। कारण क्या होता है कि घरों में तो शॉर्ट सर्किट होता नहीं है नॉर्मल कंडीशन पर, लेकिन जब वेल्डिंग मशीन चलती है तो हर समय शॉर्ट सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर देखिए क्या दे रहा है कि 10 से लेकर के 20 गुना तक जब करंट फ्लो होगा तब जाकर की यह एमसीबी हमारी ट्रिप करेगी। लेकिन जो सी टाइप की एमसीबी या बी टाइप की एमसीबी होती है वह बहुत ही कम करंट में वह एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाती है। जो हमारी बी टाइप की एमसीबी होती है वह 3 से लेकर के 5 गुना तक होता है, अब ये 10 से 20 गुना है तो देखिए बहुत कम करंट है इसमें। अब यहां पर क्या है, 10 से 20 गुना बहुत ज्यादा है, तो इसका उपयोग हमें कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। अगली एमसीबी हमारी है के टाइप की एमसीबी। इसको भी हमने 10 एम्पीयर यूज कर लिया, मान लिया है। तो यह जो एमसीबी होती है या 8 से लेकर के 12 गुना जब करंट फ्लो होता है, 8 से 12 मतलब 80 से लेकर के 120 एम्पीयर का जब करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन को वो एबनॉर्मल मानेगा और एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी।
अब इसमें क्या होता है, यह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एमसीक्यू होती है, इसमें 0.01 मतलब 1 मिलीसेकंड से कम समय में एमसीक्यू ट्रिप कर जाती है, क्योंकि यह अति संवेदनशील एमसीक्यू होती है। इसका उपयोग कहां पर करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिव जगह पर ही इसका उपयोग करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह होते हैं वहां पर इनका उपयोग करते हैं, जहां पर सेमी कंडक्टर चिप वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो वो जरा सा भी अगर हल्का सा भी ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो पूरा का पूरा कार्ड खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि 1 मिलीसेकंड के अंदर ही वो सर्किट को ट्रिप करा देगा, तो कार्ड तक कोई जल्दी जा ही नहीं पाएगा, तो वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। कौन सी एमसीबी हमारी है, वो के टाइप की एमसीबी है। अगली एमसीबी हमारी है जेड टाइप की एमसीबी, इसको भी हमने 10 एम्पियर मान लिया है। तो यह जो एमसीबी है, यह 2 से लेकर 3 गुना तक जब करंट फ्लो होगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो 2 से 3 गुना मतलब ये हो गया कि 10 एम्पियर की एमसीबी है, तो मतलब 20 एम्पियर से लेकर के 30 एम्पियर का करंट यदि फ्लो होता है तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। और कितने सेकंड में ट्रिप करेगी, 1 मिलीसेकंड में एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, 0.01 सेकंड में ट्रिप कर जाएगी। यह भी एमसीबी हमारी अति संवेदनशील एमसीबी होती है। इसका भी उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में और सेमीकंडक्टर चिप जहां पर उपयोग किया जाता है वहां पर हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। देखिए, दोनों एमसीबी जो हमारी के टाइप की एमसीबी होती है वह 8 से लेकर 12 गुना का करंट जब फ्लो होता है तो यह एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ठीक है। लेकिन यह जो एमसीबी है, जो हमारी जेड टाइप एमसीबी है, वह 2 से लेकर 3 गुना। अब आपको जहां पर जिसकी जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा जब सेंसिटिव की जरूरत होती है तो हम इस जेड टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं, और जहां पर थोड़ा सा कम सेंसिटिविटी की जरूरत होती है तो वहां पर हम के टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। इसका भी उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या सेमीकंडक्टर चिप जहां पर होता है वहां पर लगाते हैं। इस एमसीबी का भी प्रयोग कभी भी घरों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एमसीबी चूंकि इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे ही 2 से 3 गुना करंट फ्लो होगा तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, तो जल्दी जल्दी आपकी एमसीबी ट्रिप करेगी, तो आपके घर में उपकरण जो है वो जल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो जो हमारी एमसीबी है वह कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारी एमसीबी होती है वह होती है बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, के टाइप की और जेड टाइप की। इतने प्रकार की एमसीबी होती है, और ये एमसीबी कहाँ कहाँ पर उपयोग की जाती है, इनका क्या क्या काम होता है, और ये कैसे कैसे हमें सेफ्टी देती है, इस वीडियो में हमने जाना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। इस URL पर आप जा करके आप ढेरों नॉलेज ले सकते हैं, और यह एमसीबी से जुड़ा ये जो वीडियो है इसको भी मैंने उस वेबसाइट पर मैंने लिख रखा है, ब्लॉग पर आप अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं और वहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।